मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम भारत के ये नदियों के बारे में पढ़ लिए हैं और अब देखते हैं कि नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। इससे जो है आपको प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के लिए हमेशा पूछता है। तो देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं गंगा नदी को और गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर को देखते हैं। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, जजमऊ, प्रयागराज, बनारसी, फतेहपुर, शुक्लागंज, चकेरी, पटना, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, मुर्शिदाबाद, प्रवासी, नवद्वीप, ये सभी गंगा नदी के तट पर है। इसमें से ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ ये तीनों उत्तराखंड में है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, जजमऊ, प्रयागराज, बनारसी, फतेहगढ़, शुक्लागंज, चकेरी ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं, फिर पटना, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर ये बिहार में है, और मुर्शिदाबाद प्रवासी नवद्वीप ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा गंगा नदी बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर यमुना, तो वो यह केवल भारत के शहरों के बारे में बता रहे हैं, ढाका भी यह गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। यमुना नदी अब देखते हैं, तो यमुना नदी किनारे दिल्ली तो है ही, इसके साथ मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी और प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है यह गंगा और यमुना दोनों के संगम पर स्थित है। तो यमुना नदी किनारे बसे प्रमुख शहर आपको हो जाएगा मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी और प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हिंडन नदी देखते हैं, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है सहारनपुर, मेरठ, वरनावा, गाजियाबाद, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। फिर रामगंगा नदी के तट पर बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। और यह जो है आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में है, और बाकी सभी जो है यह बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ, गोमती, केराकत और जफराबाद ये गोमती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। फिर गंडक नदी के तट पर स्थित है बेनी, वाल्मीकि नगर, त्रिवेणी, हाजीपुर, सोनपुर और बगहा। महानंदा इस नदी के तट पर बिहार के किशनगंज और पूर्णिया तथा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर और धुबरी है, ये सभी असम में स्थित है। लेह, लेह जो है सिंधु नदी के तट पर है, यह लद्दाख में है। फिर हैदराबाद जो पाकिस्तान में है, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, भारत का हैदराबाद नहीं, वह मुसी नदी के तट पर स्थित है, आगे आपको मिलेगा। फिर मालेगांव गिरना नदी के तट पर, पुणे मुलामुथा नदी के तट पर, करजात लास नदी के तट पर, नांदेड़, नासिक, राजमुंद्री और एनम ये सभी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोल्हापुर पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर, गोरखपुर राप्ती नदी तट पर, संबलपुर महानदी, कटक भीमा नदी के तट पर स्थित है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, ग्वालियर चंबल नदी के तट पर है, भरूच नर्मदा नदी के तट पर, राजकोट अजी नदी के तट पर, वडोदरा विश्वामित्र नदी के तट पर, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है, और ये सभी जो है गुजरात राज्य में पड़ते हैं। मुलताई, बुहरनपुर, भानुवल, सूरत ये सभी जो है आपको ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में है। मदुरई वेंगई नदी के तट पर है, तमिलनाडु में है। तिरुचिरपाली कावेरी नदी के तट पर है और चेन्नई अड्यार नदी के तट पर है, सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर है, लुधियाना भी सतलज नदी के तट पर है। उसके बाद श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, कोटा चंबल नदी,
हुगली नदी। हुगली जो है गंगा की सहायक नदी, गंगा की जो है एक एक प्रकार का जो है गंगा से वितरित नदी है। उसके बाद नेल्लोर पेनार नदी के तट पर है, हैदराबाद मोसी नदी के तट पर है, बंगलोर वृषभावती नदी के तट पर है, मंगलोर नेत्रावती नदी के तट पर है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, ओरछा बेतवा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। ठीक है, तो भारत के प्रमुख शहर हुए और उसके ये जो है नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख शहर है, इतना प्रमुख है। इसके अलावा और बहुत से जो शहर है वो छोटे मोटे, तो उसको नहीं पूछता है।